जीवन में हमें जो कुछ लग्जरी मिलती है उसके पीछे जानते हैं कौन सा है ग्रह? जी हाँ, आप सही पहचाने, उसके पीछे है वीनस यानी कि शुक्र। जीवन में जो कुछ वैभव मिलता है, जो कुछ धन मिलता है, जो संपत्ति मिलती है, शादी होती है, संतान होता है, हमको जो व्हीकल लेते हैं, वो सब के पीछे जो ग्रह है वह है वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र अगर अच्छा है तो आपके जीवन में सब कुछ है, और अगर शुक्र कमजोर है या अस्त है तो वो आपको बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है। कहते हैं ना कि ग्रह बली तो सब कुछ फली, अन्यथा सब अगर ग्रह बली नहीं है तो वो फलहीन है। तो पावरफुल शुक्र आपकी लाइफ में बहुत कुछ देता है। अगर आपका शुक्र आपको सपोर्ट कर रहा है तो मैरिड लाइफ भी आपकी सक्सेसफुल बनी रहेगी। आपका शुक्र आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल गोस्वामी, आपका मित्र, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद। हम आपके लिए लेकर आते हैं नियमित रूप से ऐसे वीडियोस जिसमें आपके लिए छुपी हुई होती है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के विषय में और वास्तु के विषय में भी, जिनको जानकर आप अपनी लाइफ को सुगम बना सकते हैं, आपकी लाइफ को एक मार्गदर्शन मिलता है। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। आपका ये सपोर्ट हमको बहुत मॉरल बूस्ट करता है, हम नए नए वीडियोज बनाते हैं ताकि आपकी जानकारी में वृद्धि हो सके। तो शुक्र है विवाह का कारक। जब भी विवाह होता है तब शुक्र का प्रबल होना बहुत आवश्यक होता है, शुक्र का एक्टिव होना बहुत आवश्यक होता है। अगर शादी नहीं हुई है, आप प्रयास कर रहे हैं शादी के लिए, शादी लेट हो रही है, तो ये देख लेना बहुत आवश्यक होता है कि शुक्र की क्या स्थिति है। अगर शुक्र अच्छा है तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, और किसी तरीके से, किसी कारण से, किसी दशा के कारण आपकी शादी हो भी जाती है तो आने वाला वैवाहिक जीवन आपका खराब हो सकता है, संतान उत्पत्ति की भी समस्या हो सकती है। तो ये तो बात कर रहा हूँ मैं शुक्र के दूसरे पहलुओं। शुक्र के कमजोर होने से आपको एक और समस्या हो सकती है, और वो समस्या है धन की समस्या, यानी कि आपके पास पैसा आएगा नहीं, आएगा तो रुकेगा नहीं, और अगर पैसा होगा भी तो आप उसका सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, आप वो सुख नहीं भोग पाएंगे जो उस पैसे से खरीदा जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है हेल्थ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम शुक्र के इस बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे कि अगर शुक्र खराब है तो आपकी हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। अक्सर वीडियोस में जिक्र होता है विवाह और धन इत्यादि के बारे में, परंतु जो एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है शुक्र के खराब होने का, वीनस के कमजोर होने का, वो है आपकी हेल्थ का। हम बताते हैं कि अगर शुक्र आपका कमजोर है तो आपको कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में तीन प्रकार के तत्व हैं, वात, पित्त और कफ। अगर शुक्र आपका डिस्टर्ब है तो वो आपके कफ तत्व को भी डिस्टर्ब करेगा, और जब कफ तत्व आपका बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो वो तमाम तरह की बीमारियों को जन्म देगा, यानी कि कफ जो है वो डिस्टर्ब करके रखेगा शुक्र, तो इसलिए वो एक नई बीमारी को जन्म देता है। इसी प्रकार अगर शुक्र कमजोर है तो आपकी स्किन ड्राई रहेगी, स्किन का में सूखापन रहेगा, जिससे कि रैशेस होना, दूसरी परेशानियां होना, आपके सौंदर्य में कमी होना सूखी स्किन के कारण हो सकता है। जिनका शुक्र कमजोर है इनकी आंखों में एक सूनापन सा झांकता है, उनकी आंखों में चमक गायब हो जाती है और वो कुछ ऐसी लगती हैं जैसी आंखें उनकी सूनी सूनी हैं, उदास आंखें। शुक्र और मंगल के कमजोर होने से महिलाओं में गायनिक समस्याएं जन्म लेती हैं, उनके यूट्रस की प्रॉब्लम हो जाती है, डिलीवरी में भी उनको समस्याएं आती हैं। इसी प्रकार शुक्र और गुरु का संबंध है वो आपको बहुत अधिक सोचने वाला व्यक्ति बनाता है। व्यक्ति सोचता बहुत है, फालतू के ख्यालों में डूबा रहता है, और कई बार तो वो इस प्रकार की स्थिति आ जाती है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और उसको मेंटल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर शुक्र और चंद्र के संबंधों की बात करें तो वो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है। खराब शुक्र आपको निर्णय लेने में बहुत परेशानी उत्पन्न करता है, और आप जब भी निर्णय लेते हैं
वो अक्सर गलत निकलते हैं। इसी प्रकार बात करें, खराब शुक्र कमर में दर्द देता है, पिंडलियों में दर्द देता है और ये सामान्यतः ये आसानी से ठीक भी नहीं होता। शुक्र के डिस्टर्ब होने के कारण ही डायबिटीज जन्म लेती है। आज के समय में सबसे अधिक परेशानी देने वाली जो बीमारी है वह है डायबिटीज। तो अगर आपका शुक्र कमजोर है, खराब है, तो वो डायबिटीज को भी जन्म देता है। और जब डायबिटीज शरीर में होती है तो एक नहीं अनेकों प्रकार की बीमारियां उससे उत्पन्न हो जाती है। खराब शुक्र करेक्टर को भी डिस्टर्ब करता है। खराब शुक्र होने के कारण आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं, आंखें सूनी सूनी लगने लगती हैं और अनेकों बीमारियां आपकी जन्म लेती हैं। तो ये मैंने आज बताया आपको कुछ ऐसे लक्षण जो कि खराब शुक्र के कारण होते हैं। ये बीमारियां हैं वो इंडिकेशन कि अगर ये बीमारियां आपको हो रही हैं तो निश्चित रूप से आपका शुक्र खराब है, कमजोर है या वो अस्त। तो ऐसे समय में आवश्यकता है आपको अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करने की। अब प्रश्न उठता है शुक्र ग्रह को मजबूत करने के कौन कौन से उपाय हैं, तो इसके विषय में मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, जिससे आपको ज्ञात होगा कि शुक्र को मजबूत करने के लिए कौन से उपाय करना है। तो अब मैं विदा लूँ, उसके पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। आप किसी बीमारी से परेशान हैं, आपकी शुक्र की क्या स्थिति है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसी समाधान की आवश्यकता हो तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें DM कीजिए, हम निश्चित रूप से आपके समाधान का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और विषय पर चर्चा करके, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।